गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। क्लास 11th के फिजिक्स में आपने अच्छा खासा इसको पढ़ा हुआ है, तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा। तो आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन कोई अता पता नहीं होता, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी या स्केलर कहा जाता है। तो स्केलर क्या होती है, इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन ये नहीं बता सकती, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी या स्केलर्स कहते हैं। जैसे स्पीड, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का मास हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे करके हैं। जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, तो उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर ये बताता है कि आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहे हो, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, आप एक घंटे में इतना जाओगे, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताता, इसलिए स्पीड रहता है। आप कुछ 5 किलोमीटर ट्रेवल करके आया डिस्टेंस, लेकिन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं पता है, तो डिस्टेंस हो गया। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह 2 kg का है, या आप बाजार से कोई चीज खरीद करके लाए 2 kg 3 kg, तो यहां पर डायरेक्शन का कोई अता पता नहीं है, तो यहां पर इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर्स, वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी। इसमें तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनका होता है, और साथ में डायरेक्शन भी होता है। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड तो होता ही है, और डायरेक्शन भी बता सकती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ इनमें डायरेक्शन भी हमें पता चलता है। तो अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल ले लिया जाए, तो जैसे फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब हमें डायरेक्शन यहां पर पता चल जाता है, और वेलोसिटी हो गई, इसी तरह करके बहुत सारी है, और आप लोग फिजिक्स में पढ़े ही होंगे। तो अब बात करते हैं कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप कुछ अगर आप किसी को समझाना चाह रहे हो या समझना चाह रहे हो, तो आप एक डायग्राम बनाते हो, एक फिगर बनाते हो। तो आइए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। मान लिया कि एक सरफेस है, एक सरफेस पर कोई एक ब्लॉक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे। तो भाई हमने यहां तो सरफेस तो दिखा दिया, और ब्लॉक दिखा दिया, किसी मान लिया किसी मास का है, 2 kg का, 3 kg कुछ भी है, तो यहां पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स जो है 5 N ईस्ट के डायरेक्शन में लगा हुआ है इस पर। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो अब इस ब्लॉक पर एक फोर्स काम कर रहा है, फोर्स लगा हुआ है, और वह फोर्स जो है 5 N का ईस्ट डायरेक्शन में है, 5 N टुवार्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट तो यही है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक एरो बनाएंगे, किसी भी लेंथ का एक एरो कंसिडर कर लेंगे, और हम कह देंगे कि ये 5 N है इसका मैग्नीट्यूड। ये जो, और ये देखिए, जो यहां पर एरो जो बनाया गया, एरो में क्या होता है, एक टेल होता है और एक हेड होता है। तो जो हेड है, ये हेड बताता है डायरेक्शन, ये फोर्स ईस्ट में लगा हुआ है, फोर्स एक्ट कर रहा है टुवार्ड्स ईस्ट, तो इसका एरो हमें बता रहा है कि ईस्ट में है। और इस वेक्टर यानी इस जो एरो का जो लेंथ है 5 N, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो इस तरह से हम एक, भाई वेक्टर, अब फोर्स क्या, फोर्स को तो आप देख सकते नहीं हो, तो इस तरह से फोर्स को, अब फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लेते हैं इसी ब्लॉक पर या इसी बॉडी पर एक 3 unit या 3 N का इस पर फोर्स और लगा हुआ है, 3 N का फोर्स लगा है, तो
थ्री न्यूटन का फोर्स लगा है, तो ये फोर्स को क्या करेंगे, इससे हम इसकी जो लेंथ रखेंगे एरो की, इससे कुछ छोटी रखेंगे, क्योंकि इसको हमने फाइव, इसकी लेंथ को फाइव कंसिडर किया, तो फाइव से छोटी होगी, तो ये यहां पर थ्री। अगर ये कहां लगा है, नॉर्थ के डायरेक्शन, तो इसको नॉर्थ के डायरेक्शन में बना देंगे। तो इस तरह से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो का सहारा लेते हैं, एक एरो, और एरो का जो हेड होता है वो हमें बताता है कि वेक्टर का डायरेक्शन, और जो इसकी लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को बताता है। अब जैसे मान लिया कि वेक्टर का जो, जहां से वेक्टर एक एरो बनाना ने स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं इनिशियल, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और ये जो हेड है, जैसे इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, जो हेड होता है इसको कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है, ये टर्मिनल पॉइंट है। अब वेक्टर का नाम इसका हम कैसे देंगे, इसको बहुत करेंगे तो ये ए बी वेक्टर, ऐसे ए बी लिख करके इसके ऊपर एक एरो बना देंगे, या तो अगर इस वेक्टर का कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ऐसे ए दे देंगे, और या ग्रीक वर्ड में आप कोई भी दे सकते हो, इसको ऐसे ए लिखेंगे, ऊपर एक एरो बना देंगे, इसका मतलब वेक्टर है। अगर ये फोर्स है तब आप एफ लिख करके भी इसके ऊपर एरो बना सकते हैं। तो इस तरह से वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक वेक्टर के पास क्या होता है, एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे अब हम लोग देखते हैं, इसे साफ करें तो आगे हम बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर, हमें पता है कि एक वेक्टर अगर है, तो वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। अब मान लीजिए कि चलो हमने बताया ना कि एक एरो बनाते हैं, और एरो का जो, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम भी दे दिया, जो एरो का हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है। अगर अब इसका नाम वेक्टर ए बी हम कह सकते हैं, इसको वेक्टर ए बी कहेंगे, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेक्टर ए। तो अब इस वेक्टर को हम कैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास जो यहां पर वेक्टर है, वेक्टर इसको हम लिखेंगे ऐसे, वेक्टर ए, ये वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड को अगर हमें लिखना है तो दो बार बनाएंगे लेफ्ट और ये वेक्टर यहां लिखेंगे, और यहां पर वर्टिकल बार बना करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। और उसके बाद इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। तो इस तरह से वेक्टर, वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि यहां जो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ये बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और जो यहां पर एक कैप, इसको एक कैप पढ़ते हैं, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन को बताता है। अब यहां पर आप देखिए, इसको एक तरह से और भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अगर इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें ए बी, तो आप ए बी लिखिए, वेक्टर यहां पर ए बी लिखिए, और मॉड ए बी बना दीजिए ऐसे करके, और यहां पर यहां वेक्टर, और उसके बाद ए बी, और यहां पर ऐसे कैप बना देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे करके, और या तो अब देखिए, अगर हम इसको यही रहने, इसको ट्रांसपोज करें, यानी वेक्टर में अगर हम वेक्टर ए में डिवाइड कर दें, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां एक कैप, और वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां हमें मिल जाएगा वेक्टर
इस तरीके से। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता चल गया, ये वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता चल गया यहाँ पर। आप इसे भी याद कर रखेंगे ऐसे करके, ये जो हमने बताया हुआ है इसको, ये इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि एक वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर इसे एक कैप पढ़ा जाता है, आप याद रखिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? एक कैप। इसको हम लोग ऐसे जो लिखा हुआ है इसको एक कैप पढ़ते हैं। ये डायरेक्शन बताता है, ये टेसर इसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहा जाता है। इसे यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का होता है उसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहां वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं वेक्टर्स के टाइप पर। तो यहां 3 वेक्टर्स टाइप में कॉलिनियर वेक्टर, पोजिशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये 3 वेक्टर आप समझ लीजिए, आपका वेक्टर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो इसके अलावा भी कुछ वेक्टर्स होते हैं, जैसे फ्री वेक्टर्स हो गए, तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको इरेज करें, साफ करें, तो आगे हम बताते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं, जैसे मान लिया कि कई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक है, जैसे मान लिया कि एक पॉइंट है और यहां से एक वेक्टर ऐसे है, इसका नाम दे दिया ओ ए, एक वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर ऐसे है, तो इसको दे दिया सी, इसको हम कहेंगे कि ये वेक्टर ए, इसको कहेंगे वेक्टर बी, इसको कहेंगे वेक्टर सी। तो जब कई वेक्टर का एक ही पॉइंट हो, इनिशियल पॉइंट एक ही हो, तो ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है इसको, क्योंकि इन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट ओ है, एक है। और जब मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, इस पर कई फोर्स लगे हुए हैं या कई वेक्टर है ऐसे करके, तो ये ओ है, एक वेक्टर ऐसे करके है, ऐसे एक वेक्टर ऐसे करके है इस तरीके से, तो इसका नाम ए बी और सी। तो यहां पर भी वेक्टर देखिए, एक यहां कई वेक्टर एक ही पॉइंट पर लगे, वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पर है, यानी इसको क्या कहा जाता है? टर्मिनल पॉइंट। तो जब कई वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट एक हो तो इसको बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स कहते हैं। एक तो ये चीज हमारे समझ में आ गई, ठीक। को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है? जब टर्मिनल पॉइंट एक हो तो को टर्मिनल कहते हैं, और को इनिशियल कहा जाता है जब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक हो। अब इसके बाद अब आगे देखते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होता है? जब 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो इसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे ये इक्वल वेक्टर है, मान लिया कि ये इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, इसको कहते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। अब आता है जीरो वेक्टर क्या है या नल वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर जब वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो तो उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे ए ए वेक्टर, बी बी वेक्टर, ये सब जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, क्योंकि 2 वेक्टर को सबट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। तो अगर हम केवल जीरो लिख देते हैं तो जीरो क्या है? तो स्केलर है, तो इसलिए वेक्टर लगा देते हैं कि जीरो वेक्टर है। अब याद रखें, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता। जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं, डिफाइन ही नहीं होता, और मैग्नीट्यूड इसका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है इसका एक जीरो होता है। तो ये हो गया जीरो वेक्टर, या इसी को नल वेक्टर भी कहते हैं, ठीक। आप याद रखिएगा, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता।
और अब इसके बाद अपोजिट वेक्टर क्या होता है? अपोजिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर एक ही मैग्नीट्यूड के हो लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट हो। एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है, तो वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कहेंगे इसको। ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए नेगेटिव वेक्टर बी, ऐसे करके। तो अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर हो गया। और अब यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है? कॉलिनियर वेक्टर पोजिशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको साफ करके आगे हम बताते हैं। देखते हैं कॉलिनियर, ये कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आप पढ़े हो ना कॉलिनियर पॉइंट, जब दो से ज्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर हो, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करें, तो उस पॉइंट्स को कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसी तरह आप ये मानकर चलिए कि हमारे पास एक यहां पर स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर कई वेक्टर है। जैसे एक वेक्टर हमने यहां पर बनाया, ये एक वेक्टर ये बनाया ऐसे करके, कलर है रेड कलर, पता नहीं आपको विजिबल है कि नहीं, ये वेक्टर ए हो गया, और इसी पर एक वेक्टर हम येलो कलर से बना रहे हैं, किसी भी लेंथ का हो। अब चाहे डायरेक्शन इसका अपोजिट भी हो सकता है, फिर यहां पर एक वेक्टर और हम बना रहे हैं यहां पर ऐसे करके, ऐसे ये इस तरह से। तो इस वेक्टर का नाम हम दे देते हैं वी वेक्टर, और इसे भी इसका नाम देते हैं वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर्स कहाँ है? एक लाइन पर है, एक लाइन पर है। तो जब कभी एक से ज्यादा वेक्टर एक ही लाइन पर लाई करें तो उसे कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। अब कॉलिनियर वेक्टर जो होते हैं ये कुछ दो तरह के होते हैं, एक होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर्स, और एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब देखिए अगर हम वेक्टर्स, आपको पता है एक फ्री वेक्टर भी होता है, फ्री वेक्टर जिसको कहते हैं फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे एक वेक्टर है और ये वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ है, अगर इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, अगर वो पोजिशन वेक्टर नहीं है, पोजिशन वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ नहीं होती, अगर वो एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कहीं पर भी ले जाए लेकिन इसके इसके डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, तो ऐसे वेक्टर को इसको कहते हैं पैरेलल शिफ्ट किया गया है वेक्टर। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग होती है। जैसे वेक्टर ए है तो इस वेक्टर को हम यहां पर लिख दिए, अगर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल शिफ्टिंग किया जा सकता है। अगर पैरेलल शिफ्टिंग यहां पर हो रही है तो ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर कहते हैं, लेकिन पोजिशन वेक्टर्स को हम लोग उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इसको फ्री वेक्टर्स कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहां पर जैसे ये वेक्टर यहां है, इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि इस वेक्टर को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, इस जगह पर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, यहां पर इस वेक्टर की ये पैरेलल ही होगा, तो ये वेक्टर ए आ गया ये, और वी वेक्टर को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो या इसके यहां पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन इसके पैरेलल ही होना चाहिए, तो इस वेक्टर को हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया वी वेक्टर को। देखिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, और वेक्टर सी को चलिए मान लेते हैं, वेक्टर सी को हम यहां पर शिफ्ट कर दे रहे हैं, इसका डायरेक्शन इधर को है ये, इसका डायरेक्शन हमने यहां बनाया ये वेक्टर सी को हमने यहां पर पैरेलल शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये जितने भी वेक्टर है इस सारे वेक्टर को कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं।
अब कॉलिनियर वेक्टर में पैरेलल वेक्टर कौन हो गया, जैसे ये वेक्टर ए, वेक्टर ए, ये सब पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर भी कॉलिनियर वेक्टर ही होता है। अब देखिए जैसे एक डायरेक्शन वेक्टर बी की डायरेक्शन ईस्ट है, इसकी डायरेक्शन वेस्ट है, तो कॉलिनियर वेक्टर तो है लेकिन ये एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। उसी तरह इस वेक्टर ए और वेक्टर सी को भी हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। अब इस लाइन पर जो भी वेक्टर लाई कर रहे हैं, इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल जो भी वेक्टर होंगे, सब के सब कॉलिनियर वेक्टर होंगे। तो कॉलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसको साफ करें उसके बाद आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन बताने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इस यहां पर दो वेक्टर वेक्टर को समझेंगे। इसके लिए हम एक एक्स वाई प्लेन बना रहे हैं, यहां पर ये मान लिया कि ये एक्स और ये वाई प्लेन है, ठीक है। किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन को बताने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब जैसे अब हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट है, और अब ये ओरिजिन, हम जो रेफरेंस पॉइंट है उसको ओरिजिन, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। तो अब इस रेफरेंस पॉइंट यानी ओ के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, इसको थोड़ा और नजदीक बनाते हैं, बहुत यहां बनाते हैं पास में, तो इस जगह पर हमने इसको बनाया। और तो इसका पोजीशन बताने वाला वेक्टर जो है ये हो गया, ये ऐसे, ये तो इसका नाम हम दे देते हैं कि ये पी पॉइंट है। तब हम कहेंगे कि ओपी, वेक्टर ओपी पी का पोजीशन वेक्टर है किसके, ओ के रेस्पेक्ट में। अब मान लिया कि अभी पी जो था यहां पर था, अब ये पी पॉइंट जो है मूव करके चला गया यहां पर क्यू, ये समय कहां आ गया, क्यू पर आ गया। अब जब ये पॉइंट क्यू पर आ गया तो अब इसको देख लेते हैं कि क्यू पर आया है तो अब इसका क्यू का पोजिशन वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर से इसको मिलाएंगे। चलिए मान लिया ये पॉइंट किया, तो ये अब देखिए ये पॉइंट जो है पी क्यू पर गया, मान लिया एस एस जेड मूव करते हुए क्यू पर चला गया, तो अब ये वेक्टर यानी यहां पर ओ क्यू वेक्टर जो है क्यू का पोजीशन बता रहा है। अब इसको हम मिला देते हैं, इसे मिलाएंगे इसे, यानी जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और वह फाइनल पोजीशन वेक्टर है, तो यहां पर इसके हेड और ये जो एक वेक्टर हम खींचेंगे ऐसे करके, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी PQ जो है, यहां पर जो PQ वेक्टर मिला, इस PQ वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे, और OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर का नाम पड़ेगा, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये जो OQ वेक्टर है इसको कहेंगे, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये क्यू का पोजीशन बता रहा है। तो इस तरीके से यहां पर हमें एक पोजीशन वेक्टर मिला, पी क्यू को पोजीशन वेक्टर कहते हैं क्योंकि पी क्यू पर गया, अगर पी पॉइंट क्यू पर गया तो यहां डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रही है पॉइंट पी, तो इसलिए ये पी क्यू वेक्टर कहलाएगा। तो यहां पर देखिए पी क्यू वेक्टर जब भी कभी हम लोग निकालेंगे पी क्यू वेक्टर, तो इनिशियल पोजीशन क्या है इस पॉइंट पी की, तो ये पोजीशन वेक्टर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ओ क्यू फाइनल जो फाइनल है, यहां से फाइनल पी से क्यू पर गया है, तो ये फाइनल इसका पोजीशन वेक्टर जो है इसको, ओ इसको लिखेंगे ओ क्यू और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओ पी को, ओपी वेक्टर को, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी निकालेंगे तो देखिए पॉइंट जो है पी से क्यू पर गया, तो
तो क्यू का पोजिशन वेक्टर यानी ओ क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे ओ पी, ठीक है, ओ क्यू से ओ क्यू माइनस ओ पी, तो इससे हमें पी क्यू निकल जाएगा। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, ये सब समझ में आ गया, आप एक्सरसाइज कराएंगे, इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।